भरत जी लड़का और लड़की दोनों राजी तो क्यों नहीं नेक की रस्म पूरी कर ली जाए अरे मासा इस बात में देरी क्यों करने क्यों भाई हाँ क्यों नहीं तो फिर शुरू करें लेके प्रभु का नाम पंडित जी आपने इन दोनों की जन्म पत्री मिलाई ना हाँ जी दोनों की पत्री के सारे गुण मिलते हैं ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने वाह 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 भाई बधाओ अरे वाह संतोष जी कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले यही पान की दुकान तक अच्छा आप पान खाते हैं कमाल है आपको देखकर लगता नहीं कि आप पान खाने वालों में से हाँ आदत है हमारा एक दोस्त था मेरा मतलब है कि कोई था जिसे पान खाने की बड़ी आदत थी मीठा पान बस उसी के साथ रहते रहते आदत सी पड़ गई थी खाना खाते ही पान कौन सा पान खाते हैं बनारसी मीठा पान गुलकंद वाला अरे आपको कैसे पता आपकी तरह हमें भी आदत है पान खाने की बैठिए खिला के लाते हैं आपको बनारसी पान आज बिल्कुल ऐसा पान खिलाएंगे जिंदगी भर याद रखोगे देखना विकास बड़ी धूमधाम से शादी करेगा आपका भाई भी कितना अच्छा है बड़ा ही प्यारा और आपका परिवार कितना अच्छा है पहली बार देखा इतना बड़ा परिवार वो भी एक साथ आराम से धीरे धीरे इतनी तेज क्या हुआ चोट लगी अरे बेल्ट पहननी चाहिए हम बेवकूफ हैं क्या बेल्ट पहनते हैं लगी ना चोट? राजवीर ये तुमने क्या किया जान लोगे क्या तुम अहम मैं अभी तक मेरा खिलाया हुआ पान नहीं बोला बनारसी पान मीठा पान खाएगा अरे खा ले जिंदगी का आखिरी पान है ये खा क्या चाहते हो तु तुम मर गए हाँ हाँ मैं मर गया था लेकिन शमशान में मुझे नींद नहीं आई और आ गया मैं वापस तुम्हें बेचैन नींद सुलाने गुलकंद वाला पान खिलाने लाल लाल पान बहुत गलत किया मेरा दिल तोड़ दिया अब मैं तेरा दिल तोड़ूंगा तेरा दिल तो बहुत बड़ा रे बहुत पान खिलाया न मरे तुझे अब देखता हूं कितना गुलकंद निकलता है इससे <laughs> ये संतोष कहाँ चला गया मैं होता तो मंदिर गया होता लेकिन वो शायद पान खाने गया होगा ये भैया भी ना आप कॉल कीजिए ना भैया को हाँ मैं कॉल करता हूँ शादी की बात चल रही है और पान खाने नहीं उठा रहा। हाँ विकास बोल संतोष कहाँ है तू यहाँ की बात हो रही हो तुम पान खाने के कब छोड़ेगा ये गंदी आदत अरे उस आदमी को तो छोड़ दिया ये आदत कैसे छोड़ेंगे कितनी बार कहा उसका नाम मत लिया तो ये बता तू कब तक आएगा मैं तो गया मेरा मतलब है मुझे जाना पड़ गया क्या है ना कि ऑफिस से कॉल आ गया था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए बिना बताए चला गया ऑफिस में सर्वर डाउन था ना तो उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई संतोष एक बार बता के तो जा सकता था ना अरे अगर बता के जाता तो जाता ही नहीं ना मेरा मतलब है तुम मुझे रोक नहीं लेते और मुझे जाना जरूरी था ना इसलिए मैं चला गया चल ठीक है एक बार ऑफिस के मुझे फोन कर देना हुँ? तुम करना करना क्या चाहते हो रोमांस चाहता हूँ राजवीर के प्यार से भी ज्यादा कशिश है जानती है तुम्हारा इरादा क्या है दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है ना तो जो करना मेरे साथ करो हाँ <laughs> मेरी जान तेरे साथ ही करूंगा क्या हुआ तुझे मेरे हाथ पसंद नहीं अरे देख खुशबू भी आ रही <laughs> ये कातिल नजरे ये अंदाजे गुस्सा ये तेरे हुस्न को ना और भी बढ़ा देता है मेरी जान चल आज तुझे बता देता हूं कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं राजवीर सर नीचे आ जाओ तेरी किस्मत ना बहुत खराब है परी थी कोई चाहता ही नहीं कि तुझे सच पता चले आग हूं मैं आग में आग।, आग।, आग मुझसे दूरी रहना वरना, वरना चल जाए चल जाए, जाए। राजवीर बेटे कहा हो यहां रिश्तों की बात अली चाचा जी मैं हूं ना मेरा मतलब है कि राजवीर हो या मैं हूं एक ही तो बात है हाँ रिश्तों की बात हो रही है अरे तुम्हारा वो चौथा आई मीन टू से वो तुम्हारा चौथा पार्टनर दिखाई नहीं दे रहा वो उसे भी तो बुलाओ उसकी जरूरत है यहां पर भाग गया आई I मीन mean, बिना बताए गया, ये तो बहुत प्यार करता सी होने से लेकिन जब बहन को जरूरत पड़ी तो भाई भाग गया उसे कोई जरूरी काम आ गया था वो इसलिए चला गया बाकी हम सब तो है ही ना यहाँ पे आप तो चलिए शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। अब जब सब घर वाले ही साथ में हैं तो शुभ काम में देरी कैसी? पंडित जी शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। विवाह का एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है आज से पांच दिन बाद का अब लेकिन पंडित जी पांच दिन में शादी कैसे अरे कैसे पंडित हो तुम अरे नहीं विकास जानता हूं मैं आजकल के पंडितों को लाल इस मुहूर्त के बाद अगले छह महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है वो ठीक है छह महीने बाद शादी कर लेंगे नहीं नहीं छह महीने बाद क्यों? जरा लड़के और लड़की का चेहरा तो देखिए मुरझा गया है। ये लोग एक दिन इंतजार नहीं करते छह महीने कैसे करेंगे दिन बाद कम हो है ठीक तैयारियों की बिल्कुल चिंता मत करिए हम सब संभाल लेंगे और रही बात रिश्तेदारों की तो नजदीक वाले तो आ जाते हैं दूर के रिश्तेदार आते कब है सही कहा आपने वैसे भी आजकल लोगों के पास भगवान के पास जाने का टाइम नहीं होता मेरा मतलब तो मंदिर जाने का टाइम नहीं है इसलिए वो भूत प्रेत बाहर घूमते रहते है ना वैसे आप बहुत किस्मत वाले हैं जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है आपको हाँ मेरी किस्मत तो यही है आ, तो फिर ठीक है पांच दिन बाद शादी की तारीख पक्की कल एंगेजमेंट कर लेते हैं परसों संगीत और फिर हल्दी मेहंदी के बाद पांचवें दिन शादी कर लेंगे हाँ सही बात है चार दिन काफी रहेंगे हर कसम और रसम निभाने के लिए नहीं मुबारक हो थैंक यू मैं पास के किसी होटल में रहने का इंतजाम कर लेता हूं अरे हमारे होते हुए होटल में क्यों रहेंगे क्यों कितना बड़ा घर है यही रहना है आपको और यही रहेंगे हाँ आप तो रिश्ता जुड़ गया ना आपको करीब ही रहना चाहिए उससे प्यार बढ़ता है